बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शकीला शम्स। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी। माय सब्जेक्ट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय टॉपिक्स दैट इज सिंपल इंटरेस्ट आर बाय द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट एंड अमाउंट। First of all, I will define interest. When a person borrows money for a certain period of time, then he has to pay some amount as a fee for the use of money. This fee is called interest. It means जब हम किसी से भी पैसे उधार लेंगे बैंक से या किसी कंपनी से, तो वो अमाउंट लेने के वजह से हमें कुछ फीस चार्ज करती है वो बैंक या कंपनी, उस फी को हम कहते हैं, दैट फी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ही रिसीव सम अमाउंट एज इनकम, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इट मीन्स कि जब कोई पर्सन किसी से किसी भी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कुछ टाइम पीरियड, मखसूस टाइम पीरियड के बाद उसको उस अमाउंट की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको जो वसूल होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? द मनी बोरोड फ्रॉम अ लेंडर इज नोन एज प्रिंसिपल। यानी जो पैसा हम उधार लेते हैं बैंक से या किसी कंपनी से या किसी बंदे से, तो वो जो हमने उधार लिया है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और अमाउंट, नेक्स्ट इज अमाउंट। व्हाट इज अमाउंट? द टोटल मनी विच द बोरोअर पेज बैक टू द लेंडर एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इट मीन्स कि जो हमने पैसा लिया किसी से, तो हमें वो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। इट मीन्स जो हमने पैसे लिए हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो हमें वापस करना ही है, लेकिन उसके साथ सम कर देते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो हम फीस दे रहे हैं वो पैसे लेने के, जो हमसे बैंक चार्ज कर रहा है, उन दोनों को का सम, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इट मीन्स कि जो हमने अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, वो चेंज ना हो थ्रू आउट द टाइम पीरियड। हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो यूनिफॉर्मली सेम हम पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? फॉर्मूला इज आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर एन एंड मल्टीप्लाई बाय आर। व्हाट इज पी? पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड एंड एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। It means number of years, number of quarter or number of months. Now the formula of the total amount. The total amount is given by principal plus interest. It means principal stands for P and the formula of interest is P, N and R. Now we take common P. Taking common P, we will get 1 plus N R. This is the formula of total amount. It means principal and in sum of principal and interest. Now we consider the examples related to simple interest. Find the simple interest on rupees 4000 for 3 years at 5% per annum. It means we have to find simple interest on 4000. The amount we borrow from bank or any company, that is 4000, it is principal. For 3 years, this is the time period. जिस time period के लिए हमने पैसे borrow किया है, 3 years हैं, यानी n will be equal to 3 years. And at rate of 5%, it means जो जिस rate पर हमें उधार दिया गया है, वो है हमारे पास 5%. It means r will be 5%. First we make data, which is we have to find interest. Then interest is we have put a question mark. Then principal is 4000, n is equals to time period which is 3 years, and r is the rate of interest which is given 5%. First we have to change percentage
that will be we will divided by 100, it becomes 0.05. Now we have to put the formula of interest, which is P multiplied by N multiplied by R. We have to put these all three values, P principal, N is time, and R is rate of interest. We have to multiply these three quantities and we will get the interest, which is rupees 600. It means we have to pay 600 as interest on 4000 rupees. Now we will consider second example. Find the simple interest to the nearest paisa on 3800 at the rate of 12% for 6 months. In this example, we have given the principal amount, which is P, is 3800 and the rate is 12%. And then the time period is 6 months. This is not given in years. ये years में नहीं दिया हुआ, बल्कि ये हमें months में दिया हुआ है. तो इसकी वजह से हम इसको convert कर देंगे. या तो हम months को years में convert कर दें, या फिर rate को हम per month कर देंगे. क्योंकि rate हमारे पास per annum होता है, annually होता है. तो हम उसको per month करने के लिए पहले हम 12% हमें दिया हुआ है, उसको हम convert करेंगे percentage को, divided by 100, we will get 0.012, and then we will divide it by 12 to convert in monthly, that will become 0.01. Then n is the number of months, that is 6 months. Now we will put the formula of interest, P multiplied by N multiplied by R. We put these all three values and we will multiply them, and we will get interest, that is rupees 228 rupees. It means we have to pay interest 228 rupees on 3800, which is the principal amount. It is given that if rupees 8000 increases by 1200, if 8000 increases by 1200 in 3 years, find the rate percent per annum. It means first we have to find the data banayenge hum sabse pehle. Hame principal amount given hai 8000, 1200 rupees हमें इंटरेस्ट के तौर पे देना है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 3, और रेट हमें पर एनम के हिसाब से रेट फाइंड करना है. इन दिस एग्जांपल वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट, व्हिच इज पीएनआर. वैल्यूज पुट करेंगे इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल एंड टाइम, एंड वी हैव टू फाइंड द आर. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 8000, वी विल गेट 2400. And then 2400 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और वी विल फाइंड द आर. डिवाइड करेंगे 1200 को 2400 के साथ, वी विल गेट 0.05. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट इन परसेंटेज, सो दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी विल गेट 5% पर एनम. इन फोर्थ एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द टाइम. इसी फॉर्मूले के जरिए आपने जैसे इंटरेस्ट फाइंड किया, आप रेट भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड करेंगे, और प्रिंसिपल भी इसी फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, इस इंटरेस्ट के फॉर्मूले से. इस एग्जांपल में भी हम प्रिंसिपल डाटा बनाएंगे. प्रिंसिपल हमें 9000 दिया हुआ है, रेट हमारे पास 0.2% है, 2% को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.02. नंबर ऑफ ईयर्स हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट हमें 360 रुपीज़ गिवन है. वही फार्मूला इंटरेस्ट का पुट करेंगे, पी एन आर, पी और आर की वैल्यू, यहाँ इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे. उसके बाद 9000 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 180 रुपीज़ आएंगे. एंड देन 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड ले जाएंगे और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 2 ईयर्स. इस तरह हम टाइम फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5000 इन 5 ईयर्स एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. इट मीन्स इसका भी डाटा हम सबसे पहले बनाएंगे. प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5000, नंबर ऑफ ईयर्स आर 5 ईयर्स, और रेट हमें 3% दिया हुआ है. कन्वर्ट करेंगे इसको, 0.03 आ जाएगा. अब हम अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, विच इज़ पी वन प्लस एन आर. पी एन आर की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 में प्लस करके देन 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5750. दैट इज़ कॉल्ड टोटल अमाउंट. विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल, now you can have to practice all these questions so that you will get practice, which will be helpful in your exam. In first question you have to find the simple interest, all the data are given.
In question 2, you have to also find the simple interest, data is given. And in third question, you have to find the time. And fourth example, you have to find the total amount. And in the last question, you have to find the principal amount. इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इजीली इन फॉर्मूलाज के जरिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.